विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया एक दिन पहले अचानक लापता हो गए थे, लेकिन करीब 11 घंटे बाद वो पार्क में बेहोशी की हालत में मिले। आज प्रवीण तोगड़िया ने मीडिया के सामने अपने गायब होने की वजह बताई, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तोगड़िया का कहना है कि उनके एनकाउंटर की साजिश रची जा रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। वीएचपी प्रमुख प्रवीण तोगड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उनके एक कार्यकर्ता ने उन्हें बताया था कि राजस्थान पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आ रही है। इतना ही नहीं, उनका एनकाउंटर भी हो सकता है, जिसके बाद तोगड़िया मुंबई में अपने कार्यालय को छोड़कर बाहर चले गए। उन्होंने राजस्थान पुलिस से भी बात की। उन्होंने कहा कि जब मैं एयरपोर्ट के लिए निकला था तभी बेहोश हो गया, जिसके बाद उनके साथ क्या हुआ, कौन उन्हें अस्पताल लाया, वो कुछ नहीं जानते। उन्होंने कहा कि काफी वक्त से मेरी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, मैं हिंदू एकता के लिए प्रयास करता रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रवीण तोगड़िया काफी भावुक भी हो गए। तोगड़िया ने कहा कि मेरे विरुद्ध कानून भंग के केस चलाए गए हैं, मुझे डराने की कोशिश की जा रही है। प्रवीण तोगड़िया ने इशारों में मोदी सरकार पर भी हमला बोला है। तोगड़िया ने इंटेलिजेंस ब्यूरो पर भी आरोप लगाए। इसके साथ उन्होंने कहा कि मेरी गुजरात और राजस्थान पुलिस से शिकायत नहीं है, गुजरात पुलिस से सिर्फ यह कहना है कि मेरे रूम का सर्च वारंट क्यों करने जा रहे थे, क्या मैं क्रिमिनल हूँ। आपको बता दें कि तोगड़िया सोमवार से ही लापता थे। करीब 11 घंटे बाद वह अचेत अवस्था में मिले थे। कल जैसे ही तोगड़िया के गायब होने की खबर उड़ी तो एक तरह से हड़कंप मच गया। उनके समर्थक गुस्से में आ गए और कई जगह प्रदर्शन भी किया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।